जैन साथियों, मैं स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपेंड नॉलेज। आज दोस्तों सीआईएस भेट क्वेश्चन का टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको दोस्तों टेस्ट पूरा देना है। आपके दोस्तों इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही बनेंगे आप प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हमारा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। तो दोस्तों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सीआईएसएफ की स्थापना कब की गई। आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर दीजिएगा कमेंट में। आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1969। अगर आपसे दोस्तों पूरी डेट पूछी जाती तो 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ताजमहल को किसने बनाया था। आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर आप दीजिएगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उस्ताद ईसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नींबू का पीएच मान कितना होता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर दीजिएगा। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2.2। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की उम्र क्या होती है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर दीजिएगा। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 62 ईयर्स। कई स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन गलत करते हैं, 65 करके आते हैं वहां पे। तो दोस्तों आपको गलत नहीं करना है, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 62 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भड़कल बंदरगाह कहां स्थित है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल पांडा कहां पाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर दीजिएगा। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लासी का लड़ाई कब हुई। दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक, आप ठीक कर लीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई। आपके सामने चार ऑप्शन है, आंसर दीजिएगा। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1757। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है ये, सार्स की स्थापना कब हुई। आपके सामने चार ऑप्शन है, आंसर दीजिएगा। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1980। ओके गाइज, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। और दोस्तों आपके इस टेस्ट में कितने नंबर सही बने हैं आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप कितने क्वेश्चन इस टेस्ट में सही बने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश कौन सा है। आपका आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। और दोस्तों ये थाईलैंड जो यहाँ पे है फ्रेंड्स, ये सफेद हाथियों का देश कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है तो थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, आपका कंफ्यूजन था जो मैंने दूर कर दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तंबाकू में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर दीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकोटिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, आंसर दीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान में नागासाकी पर बम कब गिराया गया। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दीजिएगा इसका आंसर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1945। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1906। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी बार पेपर में पूछा गया है, तो इसका आंसर आप ध्यान से दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे इंपोर्टेंट ग्रंथि मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
चार मीनार किसने बनवाया? आपको दोस्तों पता होगा कि चार मीनार है कहाँ पे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि चार मीनार किसने बनवाया है। इसका आंसर ध्यान से दीजिएगा, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदर अली। और दोस्तों चार मीनार कहां पर स्थित है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहां स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आंसर दीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, वियना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। आपका आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटरलू कहां स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आंसर दीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। वाटरलू दोस्तों फ्रांस में स्थित है। ओके आगे चलते हैं। सेलेब्रम किससे संबंधित है? आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर अच्छे से दीजिएगा। सेलेब्रम किससे संबंधित है आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। सेलेब्रम गाइस जो होता है मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एटीएम फुल फॉर्म आपको बताना कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए ऑल टाइम मनी, ऑप्शन बी एनी टाइम मनी, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन डी ऑल टाइम मशीन। इसका आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको दोस्तों कुछ भी मुझसे बात पूछनी है इस वीडियो के बारे में, फिर किसी भी टाइप के क्वेश्चन पे डाउट लगता है मुझे कमेंट कर सकते हो, आपका 100% दोस्तों रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो आप चैनल सब्सक्राइब भाई जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो के नीचे ऑप्शन दिख रहा हो सब्सक्राइब का रेड कलर का, आप उस पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।